फाइनली हम पहुंच चुके हैं शेड के अंदर और बारिश भी बंद हो चुकी है। पहले थोड़ा धूप आ गई थी, अब धूप भी चली गई है। और जैसे कि यार हम पहले हमें जाना था माना, हम सोच रहे थे माना चले जाएंगे और गणेश कुंड है आगे वहाँ पे चलेंगे, बट वहाँ नहीं जा रहे हम, यहीं पर ही क्या कहते हैं जितना है और रात को यहीं पर ही टाइम स्पेंड करेंगे। जो भी होगा रात में यहीं दिखाऊंगा तुम्हें और जो भी है। और यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है, यदि आप आते हो तो आप क्या कहते हैं रात को लाइन लगा लो भाई, सबसे दो तीन बजे आप लाइन लगा लोगे तो आपका 4-5 बजे तक आपको दर्शन हो जाएंगे, 5-6 बजे तक, यानी कि ऑलमोस्ट 6 बजे तक आपको दर्शन हो जाएंगे यदि आपने 2-3 बजे लाइन लगाया। क्योंकि आप लेट आओगे तो आपको कम से कम 2-3 किलोमीटर पीछे खड़ा होना पड़ेगा उसकी वजह से यार टाइम लगता है। क्योंकि हम लगे हुए थे 12 बजे से और अब 5 बज चुके हैं, 5-6 बज चुके हैं, तो लगा सकते हो आपकी क्या सीन है। तो इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि आप 2 बजे से पहले या जो भी आपका टाइम सूटेबल लगे वहाँ से नहा धो के और क्या 2 बजे तक आप यहाँ पर लाइन लगा लो, जिससे आपके इजली आपके दर्शन हो जाएंगे और टाइम पे हो जाएंगे कि आप आगे जा सको घूमने फिरने के लिए। तो फाइनली अब हम करते हैं दर्शन, क्योंकि अभी हमको लगेगा यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर भी और होगा और हम ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर आ चुके हैं। तो देख लो कि आपको जैसा अच्छा लगता है उस तरीके से कर लेना, हमने बता दिया है कि कब आपके लिए अच्छा है और आगे अब जाएंगे नहीं। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं आपको आगे भी ले चलूँगा और अगली बार शायद कहीं और का ट्रिप बनता है तो जल्दी ब्लॉग आएंगे उसके। तो आपको पता नहीं क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है और कुछ क्या अच्छा लग रहा है वो भी बताओ और क्या बेकार लग रहा है वो भी बता देना। जब आप बताओगे तभी मेरे को पता चलेगा कि क्या चीज़ गलत आ रही है और उसको इम्प्रूव करूँगा। फाइनली हम आए हैं ऊपर आपको व्यू दिखाने के लिए, नीचे से भाई सांस चढ़ गया भागते भागते आया और दिखाता व्यू देखो और मौज करो। अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ के मंदिर के पास में, बस जस्ट 1 किलोमीटर और होगा, देखते हैं कब तक नंबर आता है। और मंदिर किधर दिख रहा है, और फाइनली हमें मंदिर दिखा, ये रहा, ये दिख रहा है आपको मंदिर और उसके बिल्कुल छोटा सा है उसके ऊपर, ये देखिए मंदिर दिख रहा है आपको अब, और पीछे चल रहा है झरना, क्या मस्त व्यू आ रहा है ना। और फाइनली ये पहुंच चुके हैं मंदिर के पास में, फिर आपको देखता हूँ, यदि कैमरा लोग तो फोटो शोटो ले लेंगे वीडियो बना देंगे और नहीं हुआ तो भाई आपको यहाँ से ऐसे ही करके दिखा सकते हैं। आओ और देखो फिर मिलते हैं आगे, आगे का क्या प्लान है वो मैं बता दूंगा आपको, ब्लॉग पे बने रहो। अभी मेरे को खुद नहीं पता कि हमारा क्या डिसीजन बनता है, जो डिसीजन बनेगा वो आपको भी बताया जाएगा। Thank you.
फाइनली ये देखो मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, और फाइनली हमारी दर्शन हो गए डन, और हम निकलेंगे अब शायद माना को फिर वहाँ पे देखते हैं जो भी होगा, अभी प्लान फिक्स नहीं है, तो माना पे देखते हैं, वहाँ पहुँचे तो माना पे मिलेंगे। और भाई एक नंबर दर्शन हुए हैं, और देखो कितना प्यारा मंदिर लग रहा है, तो मिलते हैं आप सीधा माना पे, और नहीं मिले तो फिर नेक्स्ट कल ब्लॉग में मिलेंगे। चलो जब तक हम फोटो वोटो क्लिक करते हैं, और जो भी होगा इंस्टा पे सारी फोटो आ जाएंगी, उसको फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, जो भी करना है आपको कर देना सारा का सारा। जब तक फाइनली हम आ चुके हैं टेंट पे, मौज कर रहे हैं ये देखो, और हमारे दर्शन हो गए हैं बद्रीनाथ के, और फाइनली हम टेंट में मौज मस्ती कर रहे हैं, पकौड़े वकौड़े खा रहे हैं गरम गरम, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश, तुम्हारा भाई हो गया थोड़ा गीला, अंदर टी शर्ट पहनी थी इस वजह से बच गया, क्योंकि ये गीली नहीं हुई थी, बाहर का थोड़ा थोड़ा ये गीला हुआ था तो दिक्कत नहीं होगी। तो टेंट में आते ही थोड़ा थोड़ा गीला था, तो भाई ने चादर दे दी है, चेंज कर दी है, और सामान हमारा पूरा बिखरा पड़ा है, उसे समेटना है, और हमें कल निकलना भी है, फिर टाइम पे निकल जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, हमने सोचा था यार बाहर वो पहाड़ का एरिया वहाँ पे जाएंगे पैदल पैदल, बट जा नहीं पाए क्योंकि हमें करने थे दर्शन, और माना भी जाना था हमने, तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा आना ही है हमने, और हम पास इन भैया का नंबर है ही, अब आना जाना तो रहेगा इधर ही से ही, तो मिलते रहेंगे। तो जितने भी ब्लॉग है ना लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, तो क्या करना है आपको पता ना, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, सब कुछ कर देना है, और व्यू बताना कमेंट बॉक्स में कैसा रहा आपको लगा। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग पे, नई जगह पे, और जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मौज करो, रोज करो।